हाय, दिस इज मनीषा सिंह. वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है UIIC की तरफ से. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है. सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है. ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए यह मौका रहने वाला है. तो अभी हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो अगर आप भी इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हो तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहना फ्रेंड्स. तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं. एज आई टोल्ड यू, UIIC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की रिक्रूटमेंट आई है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि UIIC होता क्या है. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIIC का फुल फॉर्म होता है. ये एक इंश्योरेंस कंपनी है. पोस्ट की अगर बात करें तो किस पोस्ट के लिए आया है, आपने पहले ही देख लिया है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 जनरलिस्ट के लिए आपका वैकेंसी निकल के आई है. पोस्ट की अगर बात की जाए, टोटल पोस्ट है 250. आइए देख लेते हैं इस 250 सीट्स को कैसे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. जनरल के लिए 102 सीट्स है, EWS के लिए 24, OBC के लिए 67, SC कैंडिडेट्स के लिए 37 एंड ST के लिए 20 सीट्स रखा गया है. कैटेगरी वाइज सीट्स क्लियर हो चुका है आपको. आगे देख लेते हैं कि अप्लाई आपका कब से कब तक होगा. ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कल से, यानी 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है. लास्ट डेट टू अप्लाई 23 जनवरी 2024 रहने वाला है. मतलब कि 23 जनवरी का इंतज़ार आपको नहीं करना है. फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है. अगर आप इच्छुक हो, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, जितना जल्दी हो फॉर्म अप्लाई कर दो आप. वहीं पर एग्ज़ाम की डेट की बात करूँ तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है February 2024. मतलब नेक्स्ट मंथ आपका पेपर भी हो जाएगा. फॉर्म की फ़ी की अगर बात करें तो SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से 250 रुपीज़, मतलब 250 लिया जाएगा. एंड अदर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे यहाँ पर 1000 रुपीज़ लिया जाएगा फॉर्म फ़ी. सो आई होप कि फॉर्म की फ़ी क्लियरली समझ पाए होंगे आप. अब रही बात कि एज लिमिट कब से कैलकुलेट होगा, तो फ्रेंड्स योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 31st of December 2023. 31 दिसंबर 2023 के अनुसार मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स. 21 से 30 साल के बीच के जो भी कैंडिडेट होंगे सभी अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, अब वहाँ पे मेंशन किया गया है बॉन्ड बिटवीन 1st January 1994 to 31st of December 2002. इन इस डेट से इस डेट के बीच में जिन भी कैंडिडेट का बर्थ हुआ है सभी इलिजिबल रहेंगे. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपली जैसा आपको बताया था, ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स. वहीं पर SC ST कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स होना चाहिए. अब रही बात कि आप सोच रहे होंगे स्ट्रीम, कोई बात नहीं है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. बस जो भी जनरल, OBC, EWS होंगे उनका मिनिमम 60% होना चाहिए और SC ST का मिनिमम 55% ग्रेजुएशन में होना चाहिए. आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा. वेरी सिंपल, 2 स्टेज पे आपका सिलेक्शन होगा. एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू पास ऑनलाइन एग्ज़ाम. मतलब जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो उसमें सिंपली एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है. सेकेंड स्टेज पर होता है आपका इंटरव्यू और उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो है दे दी जाती है. तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम की पैटर्न क्या रहने वाली है. आपके पेपर में होंगे 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए. 200 प्रश्न 200 नंबर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा. टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर है. निगेटिव मार्किंग 1/4, विच मीन्स 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी. और सब्जेक्ट वाइज अगर चर्चा की जाए तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे. इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए. जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मतलब जनरल अवेयरनेस में स्पेशल रेफरेंस आपका होगा फाइनेंशियल सेक्टर से. जैसा कि आपको पता है कि इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के तरफ रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड GK GS पूछा जाएगा. फोर्थ सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए. फिफ्थ है कंप्यूटर लिटरेसी का,
इसका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन में मैंने ग्रेजुएशन बताया, इसके साथ ही ना नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए, ये इलिजिबिलिटी में डिमांड की गई है। तो इधर आई होप कि एग्जाम की पैटर्न आप समझ गए होंगे। फिर इसको क्वालिफाई करोगे, सिंपल एक इंटरव्यू होगा, पर्सनल आपका जो इंटरव्यू होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। और आप देख लेना जोन वाइज वैकेंसी निकली है, कंप्लीट डिटेल में मैं आप ना इसके नोटिफिकेशन में एक बार देख लेना किस जोन का क्या वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म अप्लाई करना। सैलरी की अगर बात करूं तो आपका सैलरी जो है 88,000 रुपीस पर मंथ आपको दिया जाता है, मतलब कि आपको 90,000 के अप्रॉक्स सैलरी है, अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। तो प्लीज आप इसको मिस ना करें, अच्छी से आप तैयारी कर लो, 1 मंथ का टाइम है और बहुत सारे बच्चे तो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ इसके और मॉडल सेट वगैरह बनाओ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अब समय बहुत कम बचा है। और अगर मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है अभी इस पोस्ट के रिगार्डिंग आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। कहीं पे कुछ क्वेरी डाउट वगैरह है कमेंट सेक्शन में आके पूछना। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो, मेरी एफर्ट्स आपको अच्छी लगती होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।